जय हिंद दोस्तों, आज के ईवी न्यूज सेगमेंट में हम जानेंगे टाटा मोटर कौन सी इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर ला रही है जो कि सबसे सस्ती होने जा रही है। वहीं अदानी ने ईवी में कदम रख दिया है, इसके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ ये जाने कि अथर ने क्या कुछ नया किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाटा मोटर्स ने टिगोर ईवी का एक नई मॉडल लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, जिसका ट्रायल देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये जो गाड़ी आएगी वो अब तक की सबसे सस्ती होने वाली है टाटा की तरफ से। ये 360 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करा देगी। इसकी बैटरी बैकअप जो है, बैटरी बैक वो 10 किलोवाट से बढ़ाकर के 40 किलोवाट तक किया गया है। साथ ही साथ इसके इंटीरियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए। अब इसकी प्राइस क्या होने वाली है, जैसे कि बताया जा रहा है कि काफ़ी सस्ती होने वाली है, तो 12,24,000 से इसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी, जो कि टॉप मॉडल की 13.5 लाख तक का प्राइस होगी। वहीं दूसरी और सबसे बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि भारत की सबसे बड़ी CNG और PNG डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी अदानी ग्रुप ने EV सेगमेंट में कदम रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसने हाल ही में फ्रांस के टोटल एनर्जी के साथ एक टाई अप किया है, जिसके थ्रू ये अहमदाबाद में अपनी फर्स्ट EV चार्जिंग स्टेशन ओपन करने वाले हैं और इसी के साथ ही वो अपना EV में पहला कदम डाल दिया है। इनका प्लान ये है कि स्टार्टिंग में ये 1500 चार्जिंग स्टेशन ओपन करेंगे और इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। तो एक बढ़िया न्यूज़ है ये EV सेगमेंट के लिए। वहीं एथर एनर्जी ने टाई अप किया है HDFC और IDFC बैंक से कि जो भी वो व्हीकल बेच रहे हैं तो एंड कस्टमर को शॉर्ट टाइम में इजी और सस्ती लोन प्रोवाइड हो जाए उनकी व्हीकल के लिए, और वो अपने हर एक व्हीकल पे 95% तक का लोन प्रोवाइड करवा देंगे, जो कि काफ़ी सस्ती होगी, कम रेट पे इंटरेस्ट पे होगा। और इनका कहना है कि ये जो टाइम पीरियड होगा वो 2 से 3 साल के लिए होगा।